नमस्कार, मैं अश्वानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। महाराष्ट्र में बिटकॉइन घोटाले को लेकर एक वायरल ऑडियो क्लिप में सुप्रिया सुले और नाना पटोले की आवाज़ होने का दावा किया जा रहा है। इस पर अजीत पवार ने कहा कि ऑडियो में जो आवाज़ें हैं वे उनकी पहचान की हैं और इस मामले में जाँच की ज़रूरत है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की सराहना की, जबकि पीएम मोदी भी वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें भारत इंडोनेशिया के 75 वर्षों के संबंधों को मनाने की बात की। विराट कोहली के सोशल मीडिया पोस्ट ने उनके फॉलोअर्स को चौंका दिया। उन्होंने एक ब्रांड एंडोर्समेंट पोस्ट में ऐसा कंटेंट शेयर किया कि कई लोग सोचने लगे कि वह अनुष्का शर्मा से तलाक ले रहे हैं। पोस्ट का फॉर्मेट और शब्दों के कारण कुछ फैंस को रिटायरमेंट की घोषणा का भी भ्रम हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदियों को 26 नवंबर से पहले न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। उन्होंने साइबर क्राइम, ड्रोन के अवैध उपयोग, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता की बात भी की। इसके अलावा पुलिस और अदालतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। असम कैबिनेट ने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने इसे रविंद्रनाथ टैगोर के विजन का सम्मान और स्थानीय लोगों की लंबी मांग का जवाब बताया। यह कदम जिले के ऐतिहासिक पहचान को बहाल करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस डील मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत दी है। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होगी। तेलंगाना के वारंगल में SBI की शाखा में सोमवार रात करीब 19 किलोग्राम सोने के आभूषण लूटे गए, जिनकी कीमत 14.94 करोड़ है। लुटेरों ने गैस कटर से लॉकर तोड़े और CCTV कैमरे भी नष्ट कर दिए। घटना के समय सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। पुलिस जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे शौचालयों की सफाई नियमित रूप से की जा सके। इस पहल से न केवल स्वच्छता को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी 2025 में कश्मीर को नई दिल्ली से जोड़ने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। यह ट्रेन दुनिया के सबसे लंबे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज से होकर गुजरेगी। परियोजना के 272 किलोमीटर में से 255 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और दिसंबर तक शेष काम पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली परिवहन निगम DTC के संविदा कर्मियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है, जिससे राजधानी में बस सेवा सामान्य हो गई है। सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है। हड़ताल खत्म होने से दिल्लीवासियों को राहत मिली है और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान गयाना और बारबाडोस ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है। गयाना उन्हें द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस और बारबाडोस ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। यह पीएम मोदी के लिए 19वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। BJP ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुख्यमंत्री आवास में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। विधायक विजेंद्र गुप्ता ने सवाल उठाया कि शीश महल में नई सुविधाएं कहां से आई हैं, जबकि PWD के दस्तावेजों के अनुसार अप्रैल 2022 के बाद कोई काम नहीं हुआ है। BJP नेताओं ने इस मुद्दे पर केजरीवाल से जवाब मांगा है। दिल्ली और उत्तर भारत में कोहरे की स्थिति बढ़ रही है, जिससे तापमान में अंतर कम हो रहा है। 20 से 23 नवंबर तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट है। कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है और प्रदूषण के कारण हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुँच गई है। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए तैयारी कर रहा है। नवंबर तक 1000 नए कोच 370 ट्रेनों में लगाए जाएंगे, जिससे लगभग 800,000 यात्री रोजाना यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा अगले 2 साल में 10,000 नए नॉन AC कोच जोड़े जाएंगे, जो यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाएगा। वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेनियल बारेन बोइम और अली अबू अव्वाद को दिया गया। ये दोनों शांति के पैरोकार हैं, जिन्होंने संगीत और अहिंसक आंदोलनों के माध्यम से इजरायलियों और फलस्तीनियों के बीच समझ बूझ बढ़ाने का कार्य किया है। यह पुरस्कार शांति और सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर के ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें गैर हिंदू कर्मचारियों को मंदिर से छुट्टी दे दी जाएगी। उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS लेने या अन्य सरकारी विभागों में स्थानांतरण का विकल्प दिया गया है। भाजपा ने इस फैसले का स्वागत किया है।
नई दिल्ली के आकाशवाणी रंग भवन में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। प्रधानमंत्री और डॉक्टर पी के मिश्रा ने डॉक्टर देबरॉय को बहुआयामी प्रतिभा और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने अर्थशास्त्र, संस्कृत, साहित्य और नीति निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। आंध्र प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रिंसिपल ने कुछ छात्राओं के बाल काट दिए। देरी से स्कूल पहुंचने पर उन्होंने यह कदम उठाया। जांच में मामले की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद FIR दर्ज होने के 3 वर्षों के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलेगा। उन्होंने सुरक्षा संबंधी 5 प्रमुख चुनौतियों को सामने रखा और कहा कि भारत का न्यायिक सिस्टम जल्द ही दुनिया का सबसे तेज और वैज्ञानिक बनेगा। हरियाणा विधानसभा में चंडीगढ़ पर नियंत्रण और नई विधानसभा परिसर बनाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। पंजाब सरकार ने इसका विरोध किया। सीएम सैनी ने सभी दलों से एकजुट होने की अपील की, जबकि पूर्व सीएम हुड्डा और कांग्रेस नेता अरोड़ा ने चंडीगढ़ पर हरियाणा के अधिकार का समर्थन किया। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की मांग को लेकर RSS और BJP का समर्थन बढ़ गया है। RSS ने इसे भारत की सांस्कृतिक पहचान की पुनर्स्थापना का हिस्सा बताया। प्रज्ञा प्रवाह द्वारा आयोजित लोकमंथन कार्यक्रम में इस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोहन भागवत शामिल होंगे। भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वत नेनी हरीश ने सुरक्षा परिषद में सुधार की रफ्तार पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कुछ देश अस्थायी सदस्यता विस्तार का विरोध करते हैं। हरीश ने वैश्विक मुद्दों जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और भारत की डिजिटल क्रांति पर भी विचार साझा किए। इंदौर में विश्व शौचालय दिवस पर शौचालय सुपर स्पॉट अभियान चलाया गया, जिसमें शहरवासियों को शौचालयों के सामने सेल्फी लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना था और 1,00,000 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। इंदौर 7 बार राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहा है। सोशल मीडिया पर एक महिला ने एक व्यक्ति को ऑनलाइन निवेश के नाम पर 25,00,000 रुपए की ठगी कर दी। पीड़ित ने पहले 22,000 रुपए निवेश किए और बाद में 25,00,000 रुपए की राशि को बढ़ाने के लिए कहा गया। जब वह अपनी राशि निकालने की कोशिश की तो आरोपियों ने संपर्क करना बंद कर दिया। पुलिस जांच कर रही है। ऑस्कर विनर संगीतकार AR रहमान और उनकी पत्नी ने 29 साल बाद तलाक ले लिया है। इसी बीच मोहिनी डे और उनके पति हार्ट सच ने भी तलाक की घोषणा की है। दोनों ने सोशल मीडिया पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर इसे आपसी सहमति से लिया गया निर्णय बताया और लोगों से प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की है। भारत में 5G नेटवर्क के लिए आईफोन 16 सीरीज सबसे तेज प्रदर्शन करता है, जिसके पास 261.57 Mbps तक की मीडियन डाउनलोड स्पीड है। सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज दूसरे स्थान पर है। आईफोन 16 सीरीज में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X75 5G मॉडम है, जो तेज 5G स्पीड प्रदान करता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व IPS अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने NCP नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले पर बिटकॉइन घोटाले से चुनाव में आयोग के उपयोग का आरोप लगाया है। सुप्रिया सुले ने आरोपों को झूठा बताया और केस दर्ज कराया है। अजीत पवार ने आरोपित ऑडियो क्लिप में अपनी बहन की आवाज पहचानी है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने सक्षमता परीक्षा पास कर चुके 1,14,138 संविदा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में लगातार सुधार कर रही है। इसके साथ ही 65,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों की बहाली की भी घोषणा की। भारत के क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने T20 इंटरनेशनल की ताज़ा रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर बनकर इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन को पीछे छोड़ दिया है। इस साल पांड्या ने 352 रन बनाए और 16 विकेट भी लिए। वह गेंद और बल्ले दोनों से शानदार फॉर्म में है। चीन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप के सत्ता में आने के कारण चीन पर दबाव बढ़ा है और इसलिए सीमा गश्त, उड़ानों और वीजा संबंधी समझौतों पर सहमति बनी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मठी योगी, संजीव कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, नौशाद रजा, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर और रविशंकर साह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, चुनाव के दौरान जनता में पैसे बांटने और नेताओं और उनके समर्थकों के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपना विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।